नमस्कार, मैं हूं विजया और आप देख रही हैं फिल्मी बीट। टीवी स्टार हिना खान ने कसौटी के सेट पर बांटी मिठाई, जाने की क्या थी खुशी की वजह। खुशी की वजह थी बेहद खास। जी हाँ, हिना खान कसौटी जिंदगी के 2 में कोमलिका के किरदार में काफी पसंद आ रही हैं और अब ये एक्ट्रेस टीवी शोज के अलावा फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, टीवी की टॉप एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों सुर्खियों में छाई हुई है। टीवी शो कसौटी जिंदगी की 2 में कोमलिका बनकर लोगों के दिलों पर राज करने वाली एक्ट्रेस बहुत जल्द बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। इसका खुलासा खुद हिना ने किया था कि वो विक्रम भट्ट की नई फिल्म में नजर आने वाली है। बताया जा रहा है कि हिना खान की ये फिल्म महिला केंद्रित होगी। टीवी की कोमलिका लगातार अपने शानदार काम से लोगों को प्रभावित कर रही है। हाल ही में हिना खान को ITA अवार्ड में एक नहीं बल्कि 2 अवार्ड मिले। बता दें, एक्ट्रेस को ITA अवार्ड्स 2019 में बेस्ट एक्टर फीमेल रोल ज्यूरी और बेस्ट एक्टर फीमेल रोल फैंस चॉइस से नवाजा गया था। इन अवार्ड से हिना बेहद खुश नजर आ रही हैं, जिसके बाद उन्होंने सेट पर मिठाइयां बंटवाई थी। सामने आए एक वीडियो में हिना से सवाल किया जा रहा है कि ये मिठाइयां किसके लिए है, तो वो कहती हैं अवार्ड्स मिले हैं जिसकी खुशी में लोगों को मिठाइयां खिला रही हैं। वहीं पिछले दिनों सेट से ऐसी खबर आ रही थी कि हिना और एरिका फर्नांडीज दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, जिस पर हिना ने कहा था कि वो इस तरह के बेतुके का जवाब नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि कभी कभी लोग साथ होने के बावजूद भी अच्छे दोस्त नहीं होते। हिना खान ने बताया कि अभी मुझे सिर्फ कुछ महीने हुए हैं शो से जुड़े। एरिका बेहद स्वीट लड़की है, हम सेट पर अक्सर एक दूसरे से बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अच्छे दोस्त नहीं है। हो सकता है कि कुछ समय बाद दोस्त बन जाए, लेकिन लगता है ऐसा नहीं हो सकेगा क्योंकि मैं शो से ब्रेक लेने वाली हूँ। बता दें कि इन दिनों शो में कोमलिका और प्रेरणा की लड़ाई को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से TRP में वो नंबर 1 है। अवार्ड फंक्शन में हिना ने बहुत सारी बातें की। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।